लेकिन नागपुर के नहीं बल्कि इंडिया के लगभग हर शहर में मौजूद दो बड़े ऐसे इडली आउटलेट की जो सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि अपने एम्बियंस और अपने टेस्ट के लिए मशहूर है। और इनकी फ्रेंचाइजी देश के लगभग हर शहरों में है, जैसे पुणे, मुंबई, गुजरात, नागपुर और भी छोटे बड़े शहर। और इनका नाम है नाद ब्रह्म इडली, जो सिर्फ मिलता है 10 रुपए में, और दूसरा है अन्ना इडली, जिसकी शुरुआत ही 90 रुपए से होती है। तो आज मैं इन दोनों आउटलेट में जाकर इन दोनों इडलियों में अंतर और मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हम भारतीयों को अगर सुबह के नाश्ते में ना इडली मिल जाए तो दिन ही बन जाए। वैसे तो ये डिश साउथ इंडियन डिश है, लेकिन अब ये भारत के हर कोने में इसको पसंद किया जाता है। और इनका एक मोटो भी है कि आपको कम प्राइस में हेल्दी खाना, हेल्दी फूड प्रोवाइड करना। यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब तक मैंने ऑर्डर दिया था तो मैं घुस गई किचन में, किचन देखने के लिए कि किस तरह से ये लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं और किस तरह से ये अपना काम करते हैं। हाइजीन के मामले में तो मुझे इनका किचन नीट एंड क्लीन लगा। जब मैंने अंदर झांका तो एक भाई साहब इडली बना रहे थे। मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं इडली खाने आई हूँ तो इडली ही बनेगी ना, यहाँ पे समोसा थोड़ी बनेगा। मजा नहीं आ गया। लेकिन हाँ, दूसरे ही साइड तैयार हो रही थी सांभर और इसकी गरम गरम जो सेंट आ रही थी, आ हा हा, मजा ही आ गया। लेकिन एक चीज है कि सबसे ज्यादा अगर इडली में कुछ चीज पसंद की जाती तो वो है नारियल की चटनी, है ना? आप लोगों को भी पसंद, मुझे पता है। तो यहाँ पे तो इडली हो चुकी है तैयार और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ इडली खाने के लिए, और फाइनली मुझे मिल चुकी है 10 रुपए वाली इडली, और इसका टेस्ट करने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है और खाने के लिए स्टैंडिंग टेबल की सुविधा है, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसी कारण से ये इडली लोगों में फेमस है। और यहाँ की जो इडली है 10 रुपए में एक पीस मिलता है, तो मैंने 20 रुपए में 2 पीस लिए थे। और इन्होंने एक ही प्लेट में सांभर, चटनी सभी कुछ एक साथ दे दिया था, अलग से कोई बाउल में नहीं दिया था। तो मैंने भी 2-3 बार काउंटर में जाके सांभर लिया, क्योंकि यहाँ की जो सांभर है वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी, और फिर मैंने अपने इडली को एंजॉय किया। टेस्ट की अगर बात करें तो इडली अच्छा था और सांभर तो बहुत ज्यादा अच्छा था, नारियल की चटनी उससे भी ज्यादा अच्छी थी। अगर 20 रुपए के हिसाब से तो इडली बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है ये पैसा वसूल था। चलो ये तो हो चुका बैगन, अयो रामा ये क्या अन्ना इडली, ये तो भारत का सबसे बड़ा और फेमस अन्ना इडली नागपुर की पहली ब्रांच है जी। अब मैं अंदर जाती और तुमको यहाँ के इडली के बारे में बताती। मजाक से हटकर लेकिन इस अन्ना इडली का जो एम्बियंस है ना वो देखो, उधर कोने में फैमिली सेक्शन है और ये वाला था जनरल सेक्शन, क्योंकि मैं तो सिंगल आई थी। और यहाँ पर इतनी सारी टीवियाँ क्यों लगी है पता नहीं, शायद मुंह में पानी लाने के लिए। डिस्प्ले के आइटम देखकर मुंह में पानी आ गया, तब तक के लिए वेटर ने ग्लास में पानी ला दिया। इन्होंने मुझे इतना बड़ा मेनू दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे लग गई जोर की भूख, तो मैंने दे दिया एक प्लेट इडली का ऑर्डर, क्योंकि आई तो मैं इसी के लिए थी। और इनका डिस्प्ले फूड मुझे बार बार ललचा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो किचन टूर ही कर लिया जाए। इनका किचन बहुत बड़ा और लाइव किचन था। किचन देखते देखते मैंने देखा कि ये जो स्टाफ है बहुत हाइजीन का ध्यान रखते हुए काम कर रहे थे और बहुत फोकस्ड थे अपने काम को लेकर। किचन टूर करते करते मेरे टेबल पे आ गई है अब इडली। मुझे इनकी इडली प्रेजेंटेशन स्टाइल तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। के साथ मुझे दिया सांभर, रसम और चटनी, तो सफेद चटनी खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी। तो चलो जिस चीज के लिए आई थी वो तो शुरू करती हूँ, और ये इडली खाने के लिए तो मैं बहुत बेताब थी। भाई साहब क्या टेस्ट इन लोगों ने दिया है ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम रवे वाली इडली, वो भी दानेदार। मतलब इतनी अच्छी इडली सच में मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। भाई मैं तो सबसे एक ही बात कहूंगी कि अगर किसी को एकदम रिलैक्स होकर एकदम टेस्टी और ऑथेंटिक इडली खाना है, और हाँ अगर जेबें थोड़ी सी ढीली भी करनी हो, तो अन्ना इडली इज बेस्ट चॉइस। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इडली इतनी टेस्ट है तो बाकी के डिशेज भी कितनी ज्यादा टेस्टी होगी। आज तो मैंने सोच लिया कि कभी अगर एकदम आराम से और एकदम स्वाद ले लेकर अगर कभी इडली खाने का मन हुआ तो मैं तो यहाँ पर जरूर आऊंगी। इडली खाते खाते कब बिल आ गया पता ही नहीं चला। वैसे तो इडली 80 रुपए की थी, लेकिन टैक्स लगा के ये इडली होती है पूरे 90 रुपए की।
इस बिल को देखकर लगता है कि एक और इडली हो ही जाती तो शायद और अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है मैं आ जाती हूँ बिल पे करने। और यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने साउथ इंडियन ड्रेस वेयर किया था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई साउथ इंडियन वाली जगह पे आ गई हूँ स्पेशल इडली खाने के लिए। जो भी हो यार मजा ही आ गया। बिल तो मैंने पे किया लेकिन मुझे एक चीज दिया इन्होंने, बोले तो विमल का पैकेट। अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, वो होता है ना खाने के बाद सौफ, तो बस उसी टाइप का पैकेट दिया। लेकिन मैं तो इसको अजय देवगन वाले स्टाइल, बोले तो विमल वाले स्टाइल में ही खाऊंगी। बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। फ्रेंड्स मुझे तो दोनों ही इडली बहुत बढ़िया लगी। अगर आप कम पैसे में, कम समय में और जल्दबाजी में अच्छी हेल्दी टेस्टी इडली खाना चाहते तो उसके लिए नाद ब्रह्म बेस्ट है। और वहीं पर अगर आप आराम से और टेस्ट लेकर अच्छी इडली खाना चाहते तो उसके लिए अन्ना इडली बेस्ट है। आई और राम आई, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ये वीडियो साउथ इंडियन तक पहुंचा दो जी। और तो मिलते हैं जल्दी से नए नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए वड़कम।